अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। यार सितंबर इनटेक 2023 के स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट, जिनका वीज़ा लगना था, जिनको गैस रिसीव होना था, इवन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि यूके में आ चुके हैं सितंबर इनटेक 2023 के लिए। मेरे को बहुत ही जानने वाले कुछ दोस्त, 5 से 6 दोस्त जो हैं वो इधर यूके के अंदर आ चुके हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, जिनमें से 3 तो जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी के हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ हैम्पटन। इसके अलावा एक बीबीपी लंदन के कैंपस है, इसके अलावा 2 और हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में यूके के अंदर आ रहे हैं। कई जो लोग ऐसे हैं जिनका वीज़ा वगैरह भी जो है वो डिले हो रहा है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा रश है कि प्रायोरिटी सर्विस जो एक हफ़्ता 5 वर्किंग डेज या 5 वर्किंग डेज के अलावा एक हफ़्ता मैक्सिमम लगता है, उसको भी 2 से 3 हफ़्ते कम से कम लग रहे हैं। इतना ज़्यादा स्टूडेंट का रश है एम्बेसी के अंदर, और इवन अपॉइंटमेंट भी अभी नई लोगों को नहीं मिल रही, जिनको मिल रही है वो ब्लैक में मिल रही है। लोग जो हैं वो तकरीबन 1.5-2 लाख तक भी मांग रहे हैं एक बंदे की अपॉइंटमेंट के लिए। मेरे एक दोस्त ने आना था, वो कह रहा था मुझे 1.5 लाख तक एक बंदे की अपॉइंटमेंट मिल रही है, वो 4 बंदे हैं और 6 लाख की हाल ही उनको अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो इधर मैंने सोचा यार एक वीडियो बनानी चाहिए अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो जो कि सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, चलो जिनका वीज़ा इन प्रोसेस है, चलो उन्होंने कल को आना ही है, तो एक स्पेशल गाइडेंस आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि यार लाजमी से लाजमी बतानी चाहिए। कुछ इसमें ये भी चीज़ें हैं कि जो मैंने भी मिस्टेक की थी, तो मैंने सोचा कि वो चीज़ें आपके साथ क्लियर कर दूँ, आप वो मिस्टेक ना करें। सबसे पहले यार मैंने जो वीडियो बनाई हुई है पैकिंग के रिलेटेड, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कई चीज़ें मेंशन की हैं। इसके अलावा मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें जिसमें आपके ग्रोसरी का सामान आता है किचन का, खास तौर अगर आप डिपेंडेंट आ रहे हैं तो कोशिश करें उधर से ही आपके पास सामान की अगर गुंजाइश है तो उधर से लें, जिसमें प्लेटें उसके अलावा कप वगैरह सारा कुछ आता है, ताकि आपको इधर से आकर ना ख़रीदनी पड़े। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें मैंने उधर मेंशन की थी, जिसमें कैंची, नेल कटर, सुई धागा, जो इधर से यार मिलता ही नहीं, अगर आपको बटन एक लगाना पड़ जाए तो मसला बन जाता है। मैंने यकीन करें पैंट एक मंगवाई थी तो बटन वाली थी, तो बटन एक दिन मैंने पैंट पहने तो एक पता खींची एक दफ़ा तो वो बटन टूट गया, तो वो बेकार गई है। तो इस वजह से ये चीज़ें जो है साथ साथ ले आए, वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अब सितंबर इन डे की में आ रहे हैं, जो कि सितंबर इन डे का ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं, अक्टूबर और नवंबर आगे आने वाला है, तो सर्दी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जानी है, अभी से स्टार्ट हो गई है, और आने वाले एक महीने के बाद बर्फबारी स्टार्ट हो जानी है। तो कोशिश करनी है आपने जितना गर्म स्टफ हो सकता है, अपनी जैकेट का, अपनी शर्ट्स वगैरह का, वो आप उधर से लाजमी लेके आए। सॉक्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा जोड़ ले गए, आपको इधर आके दो भी पहननी पड़ सकती हैं और रोज़ धोने भी नहीं होती, इसलिए आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी होनी चाहिए। जैकेट्स की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, कोशिश करें गर्म जैकेट्स जो है वो उधर से लेकर आए। और इसके अलावा लाइसेंस वगैरह भी मैंने बोला हुआ है, इसके अलावा जो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्पेशली मैं बार बार बोल रहा हूँ, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और उसको मोफा से अटेस्ट करवा के वो आपने लाजमी ले के आना है, क्योंकि आज के जो वीडियो मैं आगे जाकर बताने जा रहा हूँ वो इसी के रिलेटेड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आना है। तो जब आप इधर आ जाएं यार, तो इधर आकर बैठना नहीं है, और दूसरा ये कि घूमने फिरने नहीं निकल जाना, सबसे पहले अपना काम ख़त्म करना है, जिसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगा। BRP तो आपने आते ही कलेक्ट करना है, एनरोलमेंट आपने आते ही करवानी है, सिम आपने रही बात आते ही ले लेनी है, उसका भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करवा लेना है प्रायोरिटी बेस पे, उसके आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। यानी 6 मंथ के बाद अगर आप कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे लेना चाहते हैं, लैपटॉप मोबाइल वगैरह, तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे इजीली उनसे ले सकते हैं सिम वालों से। इसके अलावा जो है आपने बैंक अकाउंट्स अपने कम से कम 2 ओपन करवा लेने हैं, एक लॉयड का करवाना है और एक कोई भी ऑनलाइन बैंक करवाना है जिसमें रिवॉल्ट आ जाता है या मोन्दो का बैंक आ जाता है, तो इनमें से आपने कोई एक जो है ऑनलाइन बैंक ओपन करवा लेना है। तो बैंक भी आपका ओपन हो गया, सिम भी आपकी हो गई, BRP भी आपने कलेक्ट जो है वो कर लिया, साथ ही आपने कोशिश करनी है अपने थ्योरी टेस्ट जो है वो, उसमें पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, थ्योरी टेस्ट आपने तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर देनी है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने यकीन करो अभी मुझे 8 महीने और हो गए, मैंने अभी आके जो है टेस्ट की तैयारी स्टार्ट की है, कुछ दिन हुए हैं।
इससे पहले मेरा इसकी तरफ ध्यान ही नहीं था, हालांकि पहले मेरे पास टाइम भी होता था, अभी टाइम भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो मैंने इसकी तैयारी नहीं था कर पाया, और अभी मैंने तैयारी स्टार्ट की। तो आपने कोशिश करनी है शुरू में, जब आप आएंगे आपके पास टाइम भी होगा, जॉब वगैरह आपके पास इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, तो कोशिश करनी है आपने इसकी तैयारी करनी है, अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना। इसके अलावा मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने जो बैज है सिक्योरिटी का, वो कोशिश करनी है आते ही अप्लाई कर देना है, जिधर से भी आपने बनवाना है वो आपने आते ही इधर बनवा लेना है, क्योंकि आगे आ रहा है नवंबर और दिसंबर। नवंबर और दिसंबर में इतना काम होता है कि आपको 24-24 घंटे की शिफ्ट मिलती हैं, उनको बस बंदे कम होते हैं, काम ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ये जो है बैच है आते ही बनवा लेंगे, तो वो आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेंगे अक्टूबर की, नवंबर की और दिसंबर की, आपके पास बेस्ट ऑप्शन होगा, और आप इतने पैसे आप बना लेंगे कि कह लें कि आप अपनी पहली इंस्टॉलमेंट कम से कम जो है वो ईजीली निकाल के दे देंगे। ये अभी मैं बिल्कुल कम बता रहा हूँ, अब इससे भी इंशाल्लाह पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आपने आते ही अपना बैच बनवाया और कम से कम नवंबर और दिसंबर की शिफ्टें जो है वो आपने 2 महीने की कवर कर दी, क्योंकि दिसंबर में आता है क्रिसमस, तो क्रिसमस पे जिधर 2 बंदे रिक्वायरमेंट होती है 2 बंदों की, उधर कम से कम 6 से 8 बंदे उनको रिक्वायर होते हैं एक जगह पे। तो इसी तरह हर जगह की सूरत हाल होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि आते ही बैच जो है अपना अप्लाई कर दें। बेशक आप जिस भी सिटी में आ रहे हैं, कई सिटीज ऐसी हैं जिनमें अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं है, अगर मैं इधर राइटिंग की बात करूं तो इधर मुझे कोई भी जगह नहीं थी मिली जिधर से मैं अपना जो है कार्ड जाकर बनवाऊं, मुझे कोयंट्री जाना पड़ा था। तो आप भी अपने हिसाब से सिटी देख लेना, लंदन देख लेना, कोयंट्री देख लेना, बर्मिंगम देख लेना, मैनचेस्टर, इन जगह पे जो है बड़े बड़े शहरों में अकेडमी वगैरह होती है जिधर से आप अपना जाकर बैच बनवा सकते हैं, तो वो आपने लाजमी बनवाना है। और ज़ाहिर बात है उसके लिए पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट जो मैंने पहले बात की है वो लाजमी है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ वो आपने लाजमी लेकर आना है और मोफा से अटेस्ट करवा कर लाना है। तो पैसे ज़ाहिर बात है इसलिए के लिए आपने उधर से लेके आना है, क्योंकि कम से कम आपका 600 पाउंड तक ट्रैवलिंग कॉस्ट को मिला के फीस वगैरह देगी, क्योंकि 350 से 400 के दरमियान आपका कार्ड बनना है, और 190 जो है 190 पाउंड आपने इसकी फीस देनी है पोस्ट ऑफिस में। तो ये कम से कम आपका 600 पाउंड तो लगना ही लगना है, चाहे आप बिल्कुल करीब रहते हैं, तो आपने ये भी पैसे अपने साथ लेके आने हैं, और आते ही जो है ये बैज अप्लाई कर देना है। ये जो पैसे होंगे आपके, मैं बता रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर कवर हो जाएंगे अगर आपने पूरा हफ्ता टिक्का लगा लिया सिक्योरिटी शिफ्ट पे, तो ये आपने लाजमी बनवा कर लाना है। तो मेन चीज़ इसमें यही थी कि जो मैंने आपको बतानी थी कि यार ये चीज़ लाजमी करके आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने वो बनाई है वीडियो वगैरह के, आपने आते ही सिम का कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करवाना है, इसके अलावा बैंक अकाउंट कौन सा किस तरह ओपन करवा, रिक्वायरमेंट सारी मैंने बताई हुई है क्यों ज़रूरी है बैंक अकाउंट, वो आपका एक प्रूफ ऑफ एड्रेस भी होता है। सबसे पहले मैंने बताया कि बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है आपने जब सिक्योरिटी का बैच बनवाना है तो उनको भी प्रोवाइड करना है, तो ये चीज़ें तो आपने बैंक अकाउंट वाली लाजमी पहले करनी है। तो यार यही थी आज की वीडियो, में सोचा वीडियो लाजमी बनानी चाहिए जाकर जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसानी रहे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, यार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैंने बताया था कि मैंने देखा था 95% लोग आते हैं वीडियो देखकर भाग जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन जो 5% आते हैं वही अपना जो है प्यार दिखाते हैं। तो आप भी कोशिश करें जो जो भी वीडियो देखे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।